दोस्तों मेरे चैनल पे आप मेरे साथ पूरी दुनिया घूमते हैं एंड उसी सीरीज दुनिया घुमाने की सीरीज में आपको वापस लेकर आ गया हूँ मैं एक और बहुत ही लवली सिटी में। यूरोपियन सिटी है ये एंड इस सिटी का नाम है ब्रातिस्लावा। एंड ब्रातिस्लावा जो है वो है राजधानी एक देश जिसका नाम है स्लोवाकिया। ये जो देश है दोस्तों, पहले अगर आपने सुना होगा चेकोस्लोवाकिया नाम का एक देश था, वो देश सेपरेट हुआ चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में, दोनों सेपरेट होकर चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है वो प्राग है एंड स्लोवाकिया का जो कैपिटल है वो है ब्रातिस्लावा। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ प्राग से, तो सबसे पहले मैं आपको कनेक्टिविटी बता देता हूँ। वेरी कन्वीनियंट, वेरी इजी टू गेट टू ब्रातिस्लावा। प्राग से मैंने ट्रेन ली एक विच कॉस्टेड मी अराउंड 15 यूरोज एंड 3-3.5 घंटे का राइड। आप बसेस के ऑप्शन है, ट्रेन के ऑप्शन है, काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पर आने के, बहुत आसानी से आप यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर हम एयरबीएनबी में रुक रहे हैं जिसका वीडियो भी मैं डालूंगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं अलग एक चीज़ क्या करना चाहता हूँ, जनरली मैं जो मेरे बाकी वीडियोस होते हैं मैं एक डेस्टिनेशन टूरिस्ट स्पॉट पर जाता हूँ, वहाँ पर आपको वो जगह दिखाता हूँ, कुछ समझाता हूँ एंड दैट इज़ इट। बट इन दिस वीडियो आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं एक जनरल ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ सिटी आई जनरली टेक अ मैप या फिर गूगल मैप्स के हेल्प से आई जस्ट कीप वॉकिंग एंड देखते रहता हूँ एंड अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते रहता हूँ। इस बार मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी वैसा ही एक्सप्लोरेशन करें एंड नॉट जस्ट सम 5 spots, 10 spots, ताकि आप एक्चुअली सिटी देखें एंड देखें कि मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पर आते हो तो आप भी वैसे ही टिप्स लेके ट्रैवल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टेशन पर उतरते ही वहाँ पर एक जो अपना स्टेशन का रिजर्वेशन काउंटर होता है वहाँ पर जाकर ट्रैम की टिकट ली मैंने। 3.5 यूरोस लगे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर स्लोवाकिया में यूरो करेंसी चलती है, हंगरी और चेक रिपब्लिक में नहीं चलती, लोकल करेंसी चलती है वहाँ पर। तो यहाँ पर 3.5 यूरोस में मैंने एक डे पास ले लिया, 24 आवर्स के लिए वो वैलिड है। आई कैन गो एनीवेयर ट्रैम में, बस में, सो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर मी टू एक्चुअली ट्रैवल अराउंड। सेकेंड चीज़ ये है दोस्तों, ब्रातिस्लावा बहुत ही छोटा शहर है व्हेन इट कम्स टू योर टूरिस्ट अट्रैक्शंस, टूरिस्ट सेंटर्स, तो इसीलिए आप वॉकिंग करके ही बहुत आसानी से कवर कर सकते हो पूरे के पूरे सिटी को। अब जो मेरे साथ आप नज़ारा देख रहे हो यहाँ पर, ये जो खूबसूरत नदी है, इस नदी का नाम है दानूबे रिवर, बहुत ही फेमस रिवर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट यूरोपियन रिवर्स, जो 3-4 countries से होकर जाती है, तो ऑस्ट्रिया, फिर उसके बाद स्लोवाकिया, फिर उसके बाद हंगरी से होते हुए फिर ये ब्लैक सी में एम्प्टी हो जाती है। तो इट्स अ प्रिटी लॉन्ग रिवर एंड हिस्टोरिकली भी बहुत फेमस रही है ये, काफ़ी सारे वॉर्स, काफ़ी सारे हिस्टोरिकल रेवोल्यूशंस देखे हैं इस रिवर ने। एंड आज आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ धार में फ्लो हो रही है ये रिवर, बट इट इज़ वेरी सीरीन, वेरी ब्यूटिफुल। जो आप वहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो उसके ऊपर भी मैं जाऊँगा, आपको भी लेके जाऊँगा, इट इज़ कॉल्ड द UFO वॉच टावर। एक बस व्यूइंग पॉइंट बनाया गया है जिसके ऊपर चढ़ के आप सारा का सारा शहर जो है उसको देख सकते हो। इस तरफ अगर आप देखो ऊपर तो जो यहाँ का कासल है वो कासल ऊपर दिखाई दे रहा है। एंड मैं इस वक्त जहाँ चल रहा हूँ इट इज़ कॉल्ड द ब्रातिस्लावा दानूबे प्रोमिनाड। प्रोमिनाड यानी कि एक वॉकिंग प्लेस बाय द रिवर जहाँ की आप चलते हो। एंड यू नो आई एम श्योर शाम में जब थोड़े लाइट्स आ जाएंगे, सनसेट हो जाएगा, काफ़ी सारे लोग अपना काम करके ख़त्म करके आएंगे, देन दिस शुड बी अ मोर लाइवलियर प्लेस। बट अभी जो है काफ़ी खाली है, काफ़ी शांत है एंड बस ऐसे ही वॉकिंग करके मैं आगे जा रहा हूँ। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा वैसे वैसे अलग अलग चीज़ें आपको भी दिखाते रहूँगा काफ़ी डिटेल में ये बार, ताकि अगर आप ब्रातिस्लावा आओ तो आपको भी समझ में आए कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो दोस्तों ऐसे ही बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी रिवर फ्रंट से क्रॉस करके हम थोड़े ओल्ड टाउन की तरफ आए। ये मैंने मैप लिया एंड काफ़ी सारे लोग, एक दुकान जिसका मैंने अभी अभी आपको फ़ोटो दिखाया, आइसक्रीम शॉप, उसके आगे आइसक्रीम खा रहे थे, तो मैंने भी चॉकलेट आइसक्रीम ली 1.5 यूरोस, बट वेरी डिलिशियस, बहुत ही अच्छी। तो अगर आप इस प्रोमनाड के बाहर निकल के ओल्ड सिटी की तरफ आओ एंड लोग आइसक्रीम खाते हुए दिखें तो ज़रूर खाइएगा, मैं खाता हूँ। आइसक्रीम खाते खाते हम आ गए एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर जो है सेंट मार्टिन चर्च है इसका नाम। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ऊंचे ऊंचे इसके वॉल्स हैं एंड उस तरफ जहाँ मैं देख सकता हूँ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं, या एक रेस्टोरेंट दिख रहा है मेरे को, बट एकदम खाली जगह, शायद हम पीछे से आए इस चर्च के, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं है।
इसके अंदर से अगर रास्ता है तो मैं जाऊंगा एंड देखूंगा क्या है, बट बहुत ही सुंदर दिख रहा है क्योंकि एकदम खाली है, ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं। उसके अलावा छोटी गली, आप देख सकते हो पूरा ओल्ड कंस्ट्रक्शन, शायद हज़ारों साल पुराना। यहाँ पे कुछ लोग फ़ोटो खिंचवा तो रहे हैं, बट वहाँ पे आपको ऊपर कासल का व्यू दिख रहा है एंड ये चर्च की दूसरी तरफ आ गए। आई थिंक दिस लुक्स लाइक द एंट्रेंस, आगे चल के देखते हैं क्या है। बट बहुत शान सिटी है, बहुत खूबसूरत सिटी है एंड ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं, तो ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी नहीं है, एटलीस्ट इस पार्ट में। सिटी सेंटर में थोड़ी रश थी, दिखी हमें दूर से, लेकिन फिर मैं मुड़ के यहाँ पर आ गया ताकि ये सब पहले चीज़ें देख लूँ जो खाली खाली है, एंड देन सिटी सेंटर तो कैसे भी जाना ही है। यहाँ पर बस छोटी छोटी गलियाँ चलते जा रही है एंड मैं भी चलता जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो उन गलियों से चलते चलते हम आ गए जो सेंट मार्टिन चर्च था उसकी एंट्रेंस पर। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी एंट्री है एंड ऊपर आप देख सकते हो जो पूरा टावर है, काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, स्पेशली जब यहाँ के राजा रूलर्स रहते थे वो लोग के टाइम का, अंदर रेवोल्यूशन के टाइम का काफ़ी इसका स्पेशल इम्पोर्टेंस। अंदर लेके चलूँगा मैं आपको क्योंकि अंदर एंट्री फ्री है, तो हम ज़रूर जाएंगे, बट आई विल नॉट स्पीक अ वर्ड क्योंकि बहुत साइलेंस है अंदर, पिन ड्रॉप साइलेंस, एंड लोग प्रे भी कर रहे हैं, प्लस इट इज़ अ रिलीजियस प्लेस, तो जो सेंटिमेंट है, जो रिस्पेक्ट है उस जगह को दिखाने के लिए वो ज़रूर दिखाऊंगा, बट अंदर बहुत खूबसूरत है। साथ में अंदर चलिए मेरे। तो इंटीरियर बहुत खूबसूरत थे दोस्तों चर्च के, काफ़ी सारे चर्चेस देखा हूँ मैं लेकिन ऐसा चर्च कभी नहीं देखा जहाँ पर इतने सुंदर पेंटिंग्स, अलग अलग टाइप के जो स्टैचूज बने थे, जो डिपिक्शंस थे जीसस क्राइस्ट के लाइफ के, लास्ट सपर एंड देन हिज क्रूसिफिकेशन एंड देन ही कमिंग बैक टू लाइफ, काफ़ी अच्छा था अंदर। एंड जो ऊपर इसका एक्चुअली यहाँ पर मास भी होता है, दिस इज़ एन ओपन चर्च, तो अभी भी यहाँ पर डे इन डे आउट मासेस होते हैं, इसलिए जो ऊपर कंस्ट्रक्शन था लोगों की बैठने की जगह थी, बहुत ही सरियल, बहुत ही शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस तक, जो भी लोग थे सब बस जो अंदर एनवायरनमेंट था उसको, जो कामनेस थी उसको फील कर रहे थे। अब ऊपर मुझे दिख रहा है कासल, यहाँ से यहाँ का कासल, एंड वापस से पैदल चल के मैं ढूंढूंगा, आई थिंक थोड़ा हाइट पे है, थोड़ा चलना पड़ेगा, बट देन लेट्स गो वहाँ पर। मैंने यहाँ पर अगर आप आते हो तो आप हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस ले सकते हो या फिर कोई टूर गाइड्स ले सकते हो, बट आई प्रेफर वॉकिंग, ऐसे ही चलते चलते कुछ ना कुछ दिखते रहता है एंड इसलिए बस चलते चलते अभी आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो जो सेंट मार्टिन चर्च था वो हम लोग पीछे छोड़कर रोड क्रॉस करके ब्रिज के नीचे से आए, एंड यहाँ पर जो आप सीढ़ियाँ देख सकते हो ये आपको लेके जाएगी जो कासल है। हर जगह पर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगहों पर ऐसे डायरेक्शन मार्क्स दिए हुए हैं वेर यू कैन सी विच डायरेक्शन यू नीड टू गो। तो हमें अभी हरात कासल जाना है एंड द कासल शोज दिस वे। ये रहा सेंट मार्टिन चर्च जो अभी हम जाके आए अंदर, उसका जो फ्रंट पार्ट है, वहाँ से रोड क्रॉस किया हमने नीचे आके एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दी कासल। उन सीढ़ियों से ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा आगे चल के ही ये जो स्लोप आ गया हमें, वहाँ पर डायरेक्शंस थे कि आपको कैसे कासल पे जाना है, बट यहाँ पर मैं मोड़ के दिखाऊंगा क्विकली। ये छोटी सी लेन है जो कासल को लेके जाती है, यहाँ से हम आए, छोटी छोटी जो ब्रूवरीज नहीं पब्स हैं या बार्स हैं जहाँ पर आप, अगर आप बियर पीने के शौकीन हो तो काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शन हैं, शाम में जब थोड़ी ठंडी हवा चल रही हो, आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल यहाँ पर आना। बट आगे का भी जो पाथ है बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। सबसे अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर एक भी टूरिस्ट नहीं है, आगे हैं थोड़े 3-4 लोग, बट नथिंग मेजर, जैसा दूसरे सिटीज़ में दिखते हैं यूरोप के भरे हुए रहते हैं टूरिस्ट, यहाँ पर कोई भी नहीं है, एंड इसीलिए हम ब्रातिस्लावा सेलेक्ट किए थे कि शायद खाली रहेगा एंड शायद यू नो थोड़ा अच्छे से देखने का मौका मिलेगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं UFO ब्रिज, वहाँ नीचे से हम चल के आए एंड यहाँ पर ऊपर आए हैं। 5 मिनट की चढ़ाई है ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाके हमें कासल का नज़ारा ज़रूर दिखेगा। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है एक कासल, सॉरी बैड जोक, बट ये आ गई हमारी कासल की एंट्री। यहाँ से एक एंट्रेंस है बट वहाँ मैं देख सकता हूँ दरवाज़ा बंद है,
और यहाँ पर टर्न होकर वे ऊपर की तरफ जा रहा है जहाँ पर लोग दिख रहे हैं। तो मैं भी इस तरफ से जाता हूँ, देखता हूँ ऊपर शायद कासल का एंट्रेंस होगा। बट जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ वैसे वैसे व्यूज़ ज़्यादा सुंदर होते जा रहे हैं। जिस पाथवे पर मैं चल के आया दोस्तों वो आपको लीड करेगा इस बोर्ड पर या इस होर्डिंग पर। यहाँ पर आपको पूरा मैप दिख रहा है कासल का, एंड उसके साथ साथ आपको दिख रहा है ईच नंबरिंग, कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन सी चीज़ क्या है। सो यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई आप कहाँ पे है एंड आपको जाना किधर है। यहाँ पर से थोड़ा सा व्यू दिख रहा है झाड़ों के बीच में से सिटी, ओल्ड सिटी का, और पीछे पूरी न्यू सिटी है, दिखने में बहुत खूबसूरत। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कोई टूरिस्ट नहीं है यहाँ पर, इसीलिए ये जगह और भी सुंदर और भी प्यारी लग रही है। कोई टूरिस्ट नहीं, एकदम शांति। एंड अभी अलग अलग जगहों पे जाऊंगा मैं, एक चर्च है एंड देन उसके बाद ऊपर कासल है, वहाँ पर भी जाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसा नज़ारा है एंड जो मॉन्यूमेंट है वो कैसा है। तो फाइनली दोस्तों पूरा जो चक्कर काटे थे हम नीचे से आए, पूरा घूम के फाइनली आप पीछे देख सकते हो जो एंट्रेंस है इस कासल का, यहाँ पर उसके गेट्स हैं एंड ये इसका मेन फ्रंट बिल्डिंग है। मैं अंदर भी जाऊँगा लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत है, जो कि है ये दानुबे का रिवर एंड उसका व्यू। पूरा काफ़ी सिटी का पार्ट्स दिख रहा है मुझे, जैसे कि आप देख सकते हो ज़्यादा बड़ी सिटी है नहीं, आई मीन इस नदी के बाद तो कुछ भी नहीं बचा। इट इज़ ऑल ओल्ड टाउन विच इज़ नॉट टू फार ऑफ, पास में ही है, नज़दीक है सब कुछ। वहाँ पर आप दूर देख सकते हो इंडस्ट्रियल एरिया एंड यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के पीछे है ओल्ड सिटी। तो जैसा कि मैंने कहा ब्रातिस्लावा बहुत ही छोटा सा शहर है, छोटा है, ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं, इसलिए खूबसूरत है एंड आप आराम से घूम सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, फोटोज़ निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब अंदर जाऊंगा मैं एंड देखते हैं अंदर भी कुछ है क्या, अगर फ्री हुआ तो ज़रूर पूरा घूमूंगा, अगर चार्जेस है तो फिर देखूंगा, एसेस करूंगा कितने चार्जेस हैं एंड कैसा है वो कासल एंड आप लोगों को भी बताऊँगा। दोस्तों बिना गाइड के एक्सप्लोर करने का मज़ा यही होता है कि आप बस चलते रहते हो एंड रैंडमली साइंस फॉलो करते रहते हो एंड कुछ ना कुछ आपको दिख जाता है, मिल जाता है, जो शायद बहुत सिग्निफिकेंट हो या शायद नहीं हो, बट स्टिल आप देखते हो उसको ज़रूर हो। ऐसी जगह पर जब हम कासल में घूमते घूमते आए, यहाँ पर हमने एंटर किया यहाँ के बोटैनिकल गार्डन्स में। आप ये देख सकते हो यही है कासल के जो जो मेन बिल्डिंग है कासल का, यही है एंड उसके बैकयार्ड में ये छोटा सा गार्डन बना है। हो सकता है कभी राजा रानी यहाँ पर आकर घूमे होंगे, टहले होंगे, अभी तो नहीं है, बट गार्डन सुंदर है, मतलब बहुत ग्रैंड नहीं है बट जितना है उतना अच्छा है। सो नज़ारे बहुत सुंदर, ठंडी हवा ज़रूर चल रही है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा और आगे एक्सटेंड हुआ है ये गार्डन। अब जल्दी से जाता हूँ मैं दूसरी तरफ, जो मेन कासल का एंट्रेंस है वो देखने के लिए बड़ा बेताब हूँ मैं, देखना है मुझे कितना सुंदर है। तो आगे चलते हैं। इस वक्त है हम कासल के बीचों बीच, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या यही कासल है, इतना ही है। अंदर एक म्यूजियम है जिसमें एंट्री फीस है एंड वो म्यूजियम है फर्नीचर का, तो मैं वहाँ तो नहीं जाने वाला फॉर श्योर, बट मेरे हिसाब से यही कासल है। बहुत शांत, बाहर से सुंदर था लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है राजा रानी यहाँ के गरीब रहे होंगे किसी ज़माने में, जब भी थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया है। जो बाकी आप कासल्स देखते हो यूरोप में बड़े विशाल इतने ग्रैंड होते हैं, लेकिन ये कासल काफ़ी ठंडा है। लेकिन व्यूज़ के लिए, जो रास्ता था ऊपर आने के लिए, उसके लिए आपको ज़रूर आना चाहिए इस कासल को, अदरवाइज़ ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। बट क्योंकि आप यहाँ तक आए हो तो ऑफकोर्स जो मेन चीज़ है, मेन अट्रैक्शन है कासल, वो तो आप देखोगे। यहाँ पर आप टिकट खरीद सकते हो उस म्यूज़ियम का, मैं नहीं खरीदने वाला। ये वापस हम आ गए एंट्री पर, वहाँ पर आपको UFO टावर दिख रहा है एंड पूरा 360 डिग्री व्यू दिख रहा है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर एक सोवेनियर शॉप है अगर आपको सोवेनियर ख़रीदने में इंटरेस्ट है एंड ये कासल का जो मेन दरवाज़ा है या मेन दरवाजे हैं वो यहाँ के, एंड ये कासल का वापस एक नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। ऑल इन ऑल कासल आइएगा ज़रूर फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि आप ब्रातिस्लावा आए हो तो कासल देखना बनता है, बट अदरवाइज़ डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच कि बहुत कुछ खूबसूरत मिलेगा या हिस्टोरिकल देखने को मिलेगा, अच्छा है बस उतना ही है। तो दोस्तों कासल का टूर और इस वीडियो को मैं यही एंड करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया ब्रातिस्लावा के बारे में, सेंट मार्टिन्स चर्च की सैर कराई एंड कासल भी दिखाया। ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, सबसे अच्छी बात है ब्रातिस्लावा के बारे में कि वाईफाई हर जगह पर है, तो आपको सिम कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से मैंने नहीं खरीदा है, सो यू कैन सेव सम मनी ओवर देयर।
ट्रांस की कनेक्टिविटी डिसेंट है, ढूंढना जो रूट से थोड़े मुश्किल हो सकते हैं बट स्टिल यू कैन मैनेज अराउंड, बसेस ट्राम सब मेरे डे पास से फ्री हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ वॉकिंग के लिए बहुत सुंदर है, एटलीस्ट जब आप कासल आते हो या फिर प्रोमिनेट पे वॉक करते हो। इस वीडियो को इसी के साथ मैं ख़त्म करूंगा कि अगर आप ब्रातिस्लावा में आ रहे हो तो डेफिनेटली ऊपर चढ़ के नज़ारों के लिए देखिए। कासल उतना ग्रेट नहीं लगा मुझे बट द व्यूज़ वर ब्रिलियंट। एंड अभी मैं दूसरी तरफ जाऊंगा टाउन के एंड वहां का भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस, कीप कमिंग बैक।